एक्सट्राडिशन मामले पर विजय माल्या बोले, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं किसी अदालत से बचकर नहीं भाग रहा। भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या के एक्सट्राडिशन के मामले में मंगलवार को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं सभी आरोपों से इनकार करता हूं। इससे पहले अप्रैल में सुनवाई हुई थी, तब स्कॉटलैंड यार्ड ने माल्या को कोर्ट में पेश किया था। मध्य प्रदेश में किसानों के परिवार से मिलने जा रहे ज्योतिरादित्य हिरासत में लिए गए। पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदसौर जाने की कोशिश की। पुलिस ने मंदसौर के पहले ही उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया। विराट को 1.5 महीने पहले ही पता लग गया था कि धोनी कप्तानी छोड़ रहे हैं। धोनी ने जिस वक्त कप्तानी छोड़ी थी, उस वक्त कोहली मोहाली में टेस्ट खेल रहे थे। एक इंटरव्यू में कोहली ने कहा कि जब उन्हें बताया गया कि टेस्ट के बाद उन्हें वनडे और T20 का भी कप्तान बनाया जा रहा है, तो वो इमोशनल हो गए थे। लालू पर खुद के इलाज के लिए सरकारी डॉक्टरों की ड्यूटी लगवाने का आरोप। लालू प्रसाद यादव पर इस बार आरोप लगा है कि उनके इलाज के लिए मंत्री बेटे के घर पर सरकारी डॉक्टरों की तैनाती की गई थी। हॉस्पिटल के लीटर के मुताबिक नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के घर पर सरकारी डॉक्टर तैनात किए गए। फोर्ब्स में शाहरुख सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय सेलेब, सलमान अक्षय पीछे। फोर्ब्स ने 2017 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है। इसमें शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार शामिल हैं। शाहरुख सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय एक्टर हैं। उनकी 65th रैंक है, वहीं सलमान 71st और अक्षय 80th रैंक पर हैं। RBI ने 500 रुपए के नए नोट जारी किए। इनसेट में लिखा है ए। नए नोट महात्मा गांधी नई सीरीज के ही हैं, लेकिन इनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। RBI के मुताबिक 500 रुपए के नोट में इनसेट में अंग्रेजी अक्षर ई छपा था, जबकि अब जिन नोटों को RBI ने जारी किया है उनमें इनसेट में ए लिखा है। नाइट बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर .com।